नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार किजन टेक पूर्णिया से। आज मैं आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि इफ़ स्टेटमेंट जो है कैसे वर्क करता है जावा स्क्रिप्ट में। तो इसको सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि स्ट्रक्चर में जो है फ्लो चार्ट में, ये मेरा फ्लो चार्ट है जावा स्क्रिप्ट का। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, मैंने इफ़ कंडीशन लगाया, ठीक है। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो डायरेक्ट जो है मेरा क्या आउटपुट आएगा, इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर मेरा ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा तो मेरा इफ़ कोड में जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स होने पे मेरा जो है इफ़ के बाद का जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इफ़ कंडीशन में हम किस तरह से कोडिंग करते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ जो है हम कोड टाइप करेंगे। कोड मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है, बस मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल HTML का जो है कोड लिखा हुआ है। HTML हेड टाइटल इफ स्टेटमेंट टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी के अंदर जो है मेन कोड होता है, तो वो मैंने बॉडी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है H1 टैग में मैंने दिया हुआ है यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन द स्क्रिप्ट। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट जो है स्टार्ट किया है जावास्क्रिप्ट का, तो वो स्टार्ट जो होता है वो स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वैर, हम नंबर एक वेरिएबल जो है बनाते हैं इक्वल टू 45। अब स्टेटमेंट हम देते हैं इफ नंबर डिवाइडेड इनटू टू, नॉट इक्वल टू जीरो, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर प्लस इज एन ऑड नंबर, अदरवाइज डॉक्यूमेंट डॉट राइट थैंक यू। इसका मतलब ये है कि 45 में 2 से भागा देने के बाद अगर हमें रिमाइंडर बच जाता है तो हमें जो मैसेज आएगा वो आएगा इज एन ऑड नंबर का, और अगर यहाँ जो भी नंबर होगा उसमें 2 से भागा देने के बाद वो जीरो हो जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो सिर्फ मैसेज जो आएगा हमारे पास वो थैंक यू का आएगा। तो वही इसमें स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश जावा स्क्रिप्ट वार एक वेरिएबल ले लिया, नंबर बना लिया, उसमें असाइन कर दिया हमने नंबर 45, इफ़ नंबर भागा 2 नॉट इक्वल टू 0, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर इसका जो रिमाइंडर है इस 0 के बराबर नहीं है तो नंबर प्लस जो भी होगा जो आएगा इज एन ऑड नंबर, यानी ये जो नंबर में मैंने जो असाइन किया हुआ है डेटा वो यहाँ नंबर शो करेगा और
सामने मैसेज आएगा, डिस्प्ले होगा इज एन ऑड नंबर। तो और अगर नंबर में दो से भागा देने पर जीरो आ जाता है तो सिर्फ मैसेज आएगा थैंक यू, और रिमाइंडर आने पर दोनों मैसेज आएंगे 45 इज एन ऑड नंबर थैंक यू। तो ये इस तरह से प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेगा। फिर स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगा, HTML यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमें मैंने कोड लिखा हुआ है उसमें क्या आता है। प्रेस करने पर देखिए यहाँ पे आया आपको 45 इज एन ऑड नंबर, और इसको हम जो है 44 करके देखते हैं। 44 कर दिया मैंने, और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। थैंक यू, सिर्फ थैंक यू आ रहा है क्योंकि 44 में 2 से भागा देने के बाद रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो होगा। ठीक है, शेष रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, शेष नहीं बचेगा, जीरो होगा, इसलिए थैंक यू दे रहा है। और ऑड नंबर यानी कि ये सम हो गया, और अगर रिमाइंडर बचता तो ये ऑड नंबर होता और मैसेज देता 45 इज एन ऑड नंबर थैंक यू। तो आज आपने देखा कि इफ स्टेटमेंट जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबक खैर, शुभरात्रि।